रख लेंगे। ठीक है स्टार्ट। हमारे बीच है प्रवीण भाई पटेल जी, जिन्होंने हमें इस एरिया में पहली SK-140 देने का चांस दिया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देते हैं। प्रवीण जी, आप माइंस और मशीन के बारे में बताएंगे, पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइए। मैं प्रवीण भाई पटेल और कंपनी का नाम है मिलन स्टोन वड़ागाम, तालुका धनसूरा, साबरकांठा इन गुजरात। और हमारे दूसरे दो कंपनी भी है, कैलास कोरी वर्क्स एट साठम्बा तालुका बायड, और दूसरा है आकुंड वृंदावन कोरी वर्क्स। तो ये दोनों वड़ागांव के एरिया के अंदर ही आते हैं? ये दो वड़ागांव एरिया के है और एक दूसरा है साबरकांठा में ही है, लेकिन बायड तालुका में है। तो कुल मिलाकर कितनी मशीन है 140? हमारे पास 3 मशीन है और सभी मशीन ये 5000 घंटे शायद। हमारा जो क्रशर प्लांट है वो 70 से 100 TPH तक प्रोडक्शन है उसका, और हम 2 शिफ्ट चलाते हैं। तो दोनों शिफ्ट में ये 100 टन पर आवर मिलाकर देते हैं? मिलाकर होते हैं। तो कितनी मशीन इस क्रशर को फीड करने के लिए कितनी मशीन की जरूरत पड़ती है? हमें 2 मशीन की जरूरत पड़ती है, और ये एक ब्रेकर में कभी चलता है, और ये अपना 140 कोबेल को है, ये पूरा बकेट में ही चलाते हैं। तो जो 2 मशीन आप इस्तेमाल करते हैं 100 टन पर आवर पे, वो एक तो ये कोबेल को मशीन रहता है बकेट पे, ब्रेकर पे कौन सा मशीन आप इस्तेमाल करते हैं? टाटा 70 पूरा टाटा 70 सीरीज का। तो एक्चुअल जो प्रोडक्शन देती है वो तो ये बकेट में ही देती है? बकेट में ही देती है। तो अगर ये क्रशर की कैपेसिटी 100 टन पर आवर है तो मशीन तो अप्रोक्सीमेटली अगर 20% मान के चलते हैं कि दूसरे काम में रहती है तो 120 टन पर आवर तक निकाल सकती है प्रोडक्शन? हाँ, वो निकाल सकती है। अभी ये भी हम बकेट में ही यूज करते हैं तो भी ये स्पेयर रहती है, कभी कभी ब्रेक रहती है। और पर डे यूटिलाइजेशन कितना रहता है, एक घंटे मतलब एक दिन में कितने घंटे मशीन चलती है? एक दिन में 16-17 घंटे रहती है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक के चल रही है, क्योंकि अपना प्लांट का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे मशीन का ज़्यादा है, तो अभी ये स्पेयर रहती है, उसका टाइम स्पेयर रह जाता है। और डीजल कंजप्शन लगभग कितना आता है इसका? 8.5 के एवरेज रहता है, थोड़ा कम भी रहता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। पूरा जो स्विंग रहता है जब ओवरबर्डन हटाते हैं तो 8.5 से थोड़ा ज़्यादा भी जाता है, 8 से 9 के बीच में रहता है? 8-9 से ऊपर तो कभी नहीं जाता। सर आपका सेटिस्फाइड है मशीन से? मशीन के परफॉर्मेंस सर्विस? मशीन तो अच्छा है, उसके पहले भी हमने कई मशीनें यूज़ की है, तो EX सीरीज की भी यूज़ की है, और हमारे सर्कल में भी और भी मशीन है। इसके कंपेयर में इसमें सर्विस और ज़्यादातर इसमें कोई अभी तक प्रॉब्लम हमें कुछ दिखा नहीं है। ये तीनों मशीन इतने घंटे पे चला, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट नहीं हुआ है कि ये आया। जो दूसरे मशीन चलते हैं हमारे सर्कल में भी है, ऐसे कोई है नहीं प्रॉब्लम कि कोई सर्विस के लिए हमारा मशीन रुका हो या कोई स्पेयर के लिए रुका हो, ऐसे अच्छा है। सर हमें पूरी आशा है कि यहाँ से कभी आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आपका कुछ कहना कि मशीन जैसे हमने भी जैसे कई साइट्स में देखा है, इवन जो 20 टन की मशीनें हैं टाटा हिटाची EX-200 या GS-200 या इवन हुंडई की मशीन जो 20 टन की है, अगर हम प्रोडक्शन वाइज देखते हैं तो ये मशीन बकेट छोटा होने के बावजूद उन्हीं मशीनों के बराबर प्रोडक्शन देती है। उसमें मैं आपका कुछ पहले हमारा जो ओवरबर्डन चलता था इधर जो दिख रहा है ऊपर, अच्छा ये वाला था, और अभी भी अंदर पत्थर में भी चल रहा था, वो जैसे हम देखते थे कि अब हम 210 के कंपेयर में अदर मशीन के 210 के कंपेयर में 80% ये वर्क कर रहा है, वो हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है। इस हिसाब से बोलते हैं, हम उस पर दावा नहीं करते, लेकिन ऐसा हमको लग रहा है कि दूसरे मशीन के 80% 210 का ही इसका वर्क है। उसका वजह इसके फोर्स और स्पीड, क्योंकि मशीन फास्ट है, बकेट छोटी होने के बावजूद भी एक 20 टन की मशीन के बराबर ही काम देती है। सर आपकी कुछ कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है? कंपनी अभी ऐसा हम चाहेंगे कि आपका हमारा साथ हमेशा आगे तक बढ़ता रहे, और आपकी उन्नति ही हमारे लिए एक
मशीन का अभी जो सर्विस अच्छा मिल रहा है और अभी तक कोई केयर में भी कोई तकलीफ नहीं आ रही है, अभी तो ये 5-6 हज़ार घंटे चल रही है। ये दूसरे मशीन के हिसाब से तो ये अच्छा ही है अब तक का एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा ही एक्सपीरियंस आगे हमारा मशीन पुराना हो तब तक चला रहे और बना रहे, वो हम ऐसे चाहते हैं। नहीं सर, आपको इस चीज़ में बिल्कुल हम निराश नहीं होने देंगे और आपको अपने लोगों को सर्विस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।